Hello students a very good morning to all of you in today's video i'll discuss about the cultural practices or cultural methods for the plant disease management so let's start it cultural methods in plant disease management practices cultural controls are the oldest methods that have been used to manage pest populations However, they play a major role in plant disease management, particularly nematodes and pests. Even though advances in the approach of cultural practices are dependent on identifying and responding to the barriers to the development and implementation of cultural methods of pest control, which is lacking in most of the farmers because they are not being trained, no knowledge about crop species and cultivars, etc. मीन्स जो कल्चरल कंट्रोल्स हैं वो ओल्डेस्ट मैथड्स हैं और फार्मर्स को या ग्रोअर्स को डिटेल्स बता के क्रॉप्स के बारे में क्रॉप स्पीशीज़ के बारे में हम इन कल्चरल प्रैक्टिस को प्रैक्टिकली अप्रोच कर सकते हैं कि, कि किस तरह से फार्मर्स को इन कल्चरल प्रैक्टिस को अपने खेती के दौरान या क्रॉपिंग के दौरान उनको यूज़ करनी चाहिए In their present forms, cultural controls do not offer a panacea for pest prevention and control. That is, knowledge, skill, intensive techniques, and training to the farmers regarding the design of integrated polycultures, management of adjustment environments, use of companion crops, rotations, timing of seedlings, harvesting, and field operation, etc. मस्ट भी प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू अवॉइड सॉइल इरोजन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो ये सारे इंफॉर्मेशन हैं जो हमें फार्मर्स को या जो भी एजेंसीज हैं उनको फार्मर्स को बतानी चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को कि ये कौन कौन सी प्रैक्टिसज हैं जिनको करके हम डिजीज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं सो कल्चरल प्रैक्टिस मेक द एन्वायरमेंट लेस एट्रैक्टिव टू द बेस्ट एंड लेस फेवरेबल फॉर देयर सर्वाइवर तो कल्चरल प्रैक्टिस से जो भी इंसेक्ट्स हैं पेस्ट हैं उनको हम उनकी ग्रोथ को या उनके रिप्रोडक्शन को चेक कर सकते हैं और उनके लिए लेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि क्रॉप लॉस मिनिमम हो सकता है एंड देर सर्वाइवल डिस्पर्सल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड दैट प्रमोट द पेस्ट नेचुरल कंट्रोल्स ओके चलिए अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं तो कल्चरल प्रैक्टिसेस के एडवांटेजेस या इसके क्या लाभ हैं कल्चरल कंट्रोल्स आर जनरली द चीपेस्ट ऑफ ऑल कंट्रोल मेजर्स ओके ये सबसे ज्यादा सस्ता होता है बिकॉज दे यूजुअली ओनली रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू नॉर्मल प्रोडक्शन प्रैक्टिसज कल्चरल कंट्रोल्स आर डिपेंडेबल एंड आर यूजली स्पेसिफिक लाइक द डू नॉट पजे सम ऑफ़ द डिटर्मेंटल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स नेमली द क्रिएशन ऑफ रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स अनडिज़ायरेबल रेजिड्यूज इन फूड फीड क्रॉप्स एंड द एन्वायरमेंट एंड द किलिंग ऑफ नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स तो जो कल्चरल प्रैक्टिसज हैं वो एन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं इससे आपके जो फूड क्रॉप्स पर या जो भी आप खा रहे हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ता तो ये इसलिए जो ये साइड बाई साइड कल्चरल कंट्रोल्स जो हैं वो बेस्ट प्रैक्टिस हैं देन इसके डिसएडवेंटेजेस क्या हैं इट रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर ग्रेटेस्ट इफेक्टिवनेस एंड दे नीड कियरफुल टाइमिंग ऑफन बेस्ड ऑन द सब्सटिट्यूशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ परचेज इनपुट्स एंड एज सच आर मोर डिमांडिंग ऑन द फार्मर्स कॉम्पिटेंस तो इसके लिए क्या है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको कौन सी क्रॉप कब ग्रो करनी है किस तरह से ग्रो करनी है किस तरह से आप पेस्ट को उस क्रॉप के कॉन्टैक्ट में आने से बचा सकते हैं ओके okay, तो इसके लिए जो डे टू डे ये प्रैक्टिस होगी और ये फार्मर्स के नॉलेज के बिना पॉसिबल नहीं है मे बी इफेक्टिव फॉर वन पेस्ट बट मे बी इन बट मे बी इन इफेक्टिव अगेंस्ट ए क्लोज रिलेटेड स्पीशीज सपोज आपने जो भी कल्चरल प्रैक्टिस किया या क्रोप प्रोटेक्शन किया है या इंटर क्रॉपिंग की है तो वो हो सकता है एक पेस्ट को कंट्रोल कर सके पर उतनी इफेक्टिव वो दूसरे दूसरे पेस्ट के लिए ना हो डिफिकल्ट टू एसेस एंड दे डू नॉट ऑलवेज प्रोवाइड कंप्लीट इकोनॉमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट सम कल्चरल कंट्रोल हैिश एंड वाइल्ड ंग क्रॉप रोटेशन इंटर क्रॉपिंग क्रॉप ट्रैप क्रॉप तो ये सारे कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिसके द्वारा हम डिज़ीज को मैनेज कर सकते हैं सो कल्चर कंट्रोल्स इंक्लूड इसको हम ये फोर हेड्स हैं इसके या फोर प्रिंसिपल्स हैं तो सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ साइट कि आपको साइट को किस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे देन प्लांटिंग डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट अब प्लान्ट डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है ये सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस इसी के अंदर आते हैं इसमें आप कैसे मैनेज करते हैं क्रॉप आइसोलेशन है प्लांटिंग डेंसिटी एंड स्पेसिंग मिक्स क्रॉपिंग इंटर एंड इंट्रा क्रॉपिंग क्रॉप डाइवर्सिटी टाइमिंग ऑफ सीडलिंग एंड क्रॉप रोटेशंस डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉलेंटियर प्लांट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ आल्टरनेट होस्ट मैनेजमेंट ऑफ ट्रैप क्रॉप्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी क्रॉप्स मैनेजमेंट ऑफ सराउंडिंग एनवायरमेंट एक्सेट्रा दैन उसके बाद थर्ड जो है इसका रूल है वह है मेनटेनेंस ऑफ साइट उसमें हम क्या प्रैक्टिस करते हैं कल्टिवेशन टीलेज फर्टिलाइजेशन क्लाइमिंग एंड मैन्यरिंग प्रूनिंग डिफोलिशन थिनिंग एंड टॉपिंग इरीगेशन ड्रेनेज सैनिटेशन क्रॉप रेजिड्यू डिस्ट्रक्शन एक्सेट्रा देन हार्वेस्टिंग प्रोसीजर्स में टाइमिंग ऑफ हार्वेस्टिंग एंड स्ट्रिप हार्वेस्टिंग। सो ये अलग अलग स्टेप्स के अंदर जैसे जैसे क्रॉप ग्रो होती जाती है कल्चरल जो कल्चरल प्रैक्टिस हमें परफॉर्म करनी होती हैं चलिए अब हम वन बाय वन जो भी कल्चरल प्रैक्टिसज हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं तो सबसे पहला है प्लॉइंग एंड फेलोइंग प्लॉइंग इज डन टू सप्रेस द पॉपुलेशन ऑफ द निमेटोड्स प्रायर टू द प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप तो जब भी हम क्रॉप को प्लांटेशन करते हैं उससे पहले प्लॉइंग करते हैं फील्ड की उस पर मतलब ज़मीन पे हल चलाते हैं या उसको मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं जिससे कि जो भी निमेटोड्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं या जो भी सॉइल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाए इट एक्सपोजेस मोस्ट ऑफ द सॉइल बॉन्ड पैथोजन पेस्ट एंड वीड्स टू सोलर एंड डेसिकेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैलोइंग प्रैक्टिसेस आर फेलोइंग फैलोइंग प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होता है सबसे पहले वीडी फैलोम फील्ड आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब बिटवीन कल्टिवेशन ऑफ टू क्रॉप्स तो इसके अंदर हम फील्ड्स को अनडिसटर्ब कर देते हैं बिटवीन द टू कल्टिवेशन क्रॉप्स देन सेकेंड है ड्राई और क्लीन फैलो इसके अंदर क्या करते हैं रेगुलर वीडिंग टू प्रिवेंट पैथोजन रिप्रोडक्शन देन थर्ड टाइप इज वीट फ्री वैट फ्लो टू अलाउ द स्पोज ऑफ सॉइल बॉन्ड पैथोजें टू जर्मिनेट एंड फॉलोड बाई रेगुलर वीडिंग टू प्रीवेंट रिप्रोडक्शन मल्चिंग mulching, mulching क्या होती है इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट बेनिफिशियल प्रैक्टिस वी आर ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए मटीरियल दैट इज स्प्रेड ऑन टॉप ऑफ द सॉइल तो यह देखना है यहाँ पर, पर पिक्चर के अंदर कि मल्चिंग के अंदर हम क्या करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं सॉइल के ऊपर मल्चे कैन इधर बी ग्रास क्लिपिंग स्ट्रॉ बाग चिप्स स्टोन्स ब्रिक चिप्स एंड प्लास्टिक तो ये कुछ किसी से भी अपन मल्चिंग कर सकते हैं क्रॉप्स आर ग्रोन इन बेड्स कवर्ड विद प्लास्टिक और एनी टाइप ऑफ मल्च विच रिजल्ट इन इंक्रीज प्लांट ग्रोथ दो प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन रिडक्शन ऑफ कंपैक्शन फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ हैवी रेन कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर रिड्यूसिंग द नीड ऑफ फॉर फ्रिकुंट वाटरिंग maintenance of a more even soil temperature prevention of weed growth keeps fruit and vegetables clean keeps feet clean allowing access to garden even when damp ओके okay, तो ये सारे मल्चिंग का प्रोसीजर है और इसके सारे बेनिफिट्स हैं देन सॉइल सोलराइजेशन सॉइल सोलराइजेशन को मैंने आपको फिजिकल मेथड्स के अंदर में बताया था इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं इट इज़ अ सिंपल सेफ इफेक्टिव एंड नॉन पेस्टिसाइडल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग सॉइल बॉर्न पेस्ट ये प्लास्टिक शीट्स आर स्प्रेड ऑन मॉइस्ट सॉइल ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई एम्बियन टेम्परेचर तो यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक शीट्स को पूरे फील्ड के अंदर बिछाया गया है और प्लांट्स क्या है बीच बीच मतलब जो भी प्लास्टिक शीट से निकल के बाहर आ रहे हैं द प्लास्टिक शीट्स अलाउ द सन्स रेडियंट एनर्जी टू बी ट्रैप्ड इन द सॉइल हीटिंग द अपर लेवल्स सोलराइजेशन ज्यूरिंग दॉ समर मंथ्स कैन इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर टू लेवल दैट किल मैनी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स निमेटो एंड वीट सीड एंड सीडलिंग्स तो इससे क्या होता है टेम्परेचर हाई हो जाता है सॉइल का और इससे बहुत सारे निमेटो या पैथोजें हैं या जो भी वीट सीडलिंग्स जो कि ग्रो हो जाते हैं वीट अपने आप वो सारे किल हो जाते हैं इट लीव्स नो टॉक्सिक इट लीव्स नो टॉक्सिक रेजिड्यूज इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड अदर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिय सो दिस प्रैक्टिस इज़ वेरी हेल्पफुल Then plant density and spacing. Uh, its objective is to maximize yield per unit area without reducing crop quality so that yield advantage over right pest incidence reduction. स्पेसिंग में इफेक्ट द रिलेटिव रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड इट्स पेस्ट पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ टाइम एंड द बेहेवियर ऑफ द इंसेक्ट स्पेस इन सर्चिंग फॉर द फूड तो इसके अंदर आप प्लांट की डेंसिटी या इस तरह से करते हैं जिससे कि जो इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं पर यूनिट एरिया वो कम हो जाते हैं और द इंसेक्ट एंड पेस्ट इन सर्च फॉर द फूड बिकॉज जो प्लांट्स हैं वो क्या दूर दूर लगे हुए हैं क्लोज स्पेसिंग में एड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ नैचुरल एमिनेस एंड रिजल्ट इन ग्रेटर कंट्रोल ऑफ अ पेस्ट पॉपुलेशन Some insect pests are attracted by low density planting because they are uh, still hotted against bare ground, For example at low density brassicas attract more aphids.

Plant spacing that encourages rapid crop maturation could also provide the means of encouraging early fruiting and harvesting of crops of intermediate flowering plants. Then flooding. Routine flooding prevents various pathogens pests and weeds for further reproduction of germination mm -hmm. for example flooding followed by dry at intervals of 2 to 3 weeks during summer has been suggested for vegetable cultivation which resulted in reduction of root knot nematode densities ओके okay, तो ये स्टडी है नॉलिंग टू थाउ टू थाउजेंड थ्री की कि फ्लडिंग से भी हम किस तरह से किन किन इंटरवल्स पे हम पानी देकर या फ्लडिंग करके कर, पैथोजेंस की ग्रोथ को रोक सकते हैं देन मिक्स्ड क्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग मीन्स जैसे नाम से पता है मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विच रिड्यूसेज फाइटोपैथोजन्स इंसेक्ट पेस्ट बाय एनकरेजिंग इंक्रीज इन नेचुरल एनिमल्स ड्यू टू ग्रेटर टेम्पोरल एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेक्टर एंड पोलन सोर्सेज इंक्रीज ग्राउंड कवर Particularly important for diurnal enemies, increased prey offering alternative food sources when the pest species are scarce or at the appropriate time in the predator's life cycle. It also affects the pest ability to find host plants by conferring associational resistance by the non host plant masking the. ऑर्डर्स ऑफ द होस्ट प्लांट तो ये मिक्स क्रॉपिंग में हम अलग अलग तरह के प्लांट्स लगा देते हैं जिससे कि जो पेस्ट हैं वो अपने पर्टिकुलर होस्ट से के पहले किसी दूसरे क्रॉप पर भी पहुंच सकते हैं या जो ए, 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 एक एक प्लांट का जो पेस्ट है वो दूसरे प्लांट के दूसरे पेस्ट के लिए वो एनिमी भी बन सकता है तो मिक्स क्रॉपिंग से भी बहुत फायदा होता है देन क्रॉप रोटेशन इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया इन सिक्वेंशियल सीजन क्रॉप रोटेशन आपने पहले भी पढ़ा है कि हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्रॉप्स को लगानी चाहिए द प्लांट रोटेशन में वेरी फ्रॉम ए ग्रोइंग सीजन टू अ फ्यू इयर्स और इवन लॉन्गर पीरियड्स रोटेशन है वो एक सीजन से दूसरे सीजन या एक साल से दूसरे साल या कुछ सालों तक हो सकता है ये, ये किस पर डिपेंड करेगा कि उसका जो पैथोजन है वो कितने टाइम तक उस फील्ड के अंदर प्रजेंट रह सकता है An effective rotation is one in which a crop of one plant family is followed by one from a different family that is not a host crop of the pest to be controlled. तो so, control के rotation के लिए हम क्या करते हैं? वो plants का rotation करते हैं जो कि उस particular pathogen के लिए एक host जो दूसरे crop हम लगा रहे हैं वो उस particular pathogen के लिए host का, का काम ना करे। Most common rotations include grasses, grasses, legumes and root crops. Rotations are effective against pests that have a limited host plant range and dispersiveness and or that cannot survive for more than one or two seasons without suitable host crops. Mm -hmm. Pests most subject to this type of control are poorly mobile, soil-inhabiting species with a restricted host range and a life cycle of one year or longer. The Indian pathogens K. हम जो है क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं तो ये बेसिक क्रॉप रोटेशन है सपोज बैड वन में, में टोमेटो लगाया फिर बीन्स लगाई फिर कैरेट लगाया फिर आप इनका ईयर टू के अंदर आप जो बैड्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं कैरेट टोमेटो बीन्स कर सकते हैं ईयर थ्री में आप फिर उनके बैड्स चेंज कर सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर या तो हम एक सीजनल इनको रोटेशन कर सकते हैं या आप सेकेंड के अंदर देखिए तो हम इनको ईयरली या एनुअली भी इनको हम रोटेशन कर सकते हैं क्रॉप्स का देन टाइम ऑफ सीडिंग एंड प्लांटिंग ये क्या होना चाहिए अवॉइड इन्वेजन ऑफ माइग्रेन और द ओविपोजिशन पीरियड ऑफ पर्टिकुलर पेस्ट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज इन द क्रॉप बाय इंसेक्ट वैक्टर्स तो हमें ये टाइम अवॉइड करना चाहिए टू सिंक्रोनाइज द पेस्ट अटैक विद इट्स नेचुरल एनिमीज विद वेदर कंडीशन दैट आर एडवर्स फॉर द पेस्ट और विद द एबंडेंस ऑफ एन आल्टरनेटिव होस्ट टू मेक इट पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप बिफोर द बेस्ट एंड डस्ट डिस्पॉज तो ये सारी प्रैक्टिस करके हम उसी टाइम पर हमें प्लांटिंग करनी चाहिए जो कि पैथोजन की उसकी रिप्रोडक्शन से उसकी ग्रोथ से मैच ना करती हो

Then management of alternate host. Many insects reproduce on weeds or other alternate host and then attack the main crops. It is therefore usually desirable to destroy brambles or other weeds on uncultivated land to assist in the control of insects such as aphids, beet, leafhopper, and raspberry cane borer. यर मस्ट बी टेकन हाउ एवर नॉट टू डिस्ट्रॉय नर्सरी साइट्स फॉर द पेस्ट नेचुरल एनिमीज तो ये ऑल्टरनेट होस्ट हैं जो उस पर्टिकुलर पैथोजन के उन्हें हमें मैनेज करना चाहिए या उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए देन ट्रैप क्रॉप्स अब ट्रैप क्रॉप्स क्या होती हैं ट्रैप क्रॉप्स होते हैं ऑफ़न स्मॉल प्लांटिंग या ऑफन मेड अर्लियर देन द मेन प्लांटिंग्स आर यूज टू डाइवर्ट इंसेक्ट अटैक अवे फ्रॉम द क्राप क्रॉप एट रिस्क बाय यूजिंग मोर अट्रैक्टिव फूड सोर्सेज तो हम वो ट्रैप क्रॉप्स होती हैं जो कि उन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें जिससे कि वो मेन क्रॉप को छोड़कर उस ट्रैप उस वो उस दूसरी क्रॉप के पास आ जाए और वो मतलब ट्रैप कर लें उन इंसेक्ट्स को या उनको अट्रैक्ट कर लें और जो हमारी मेन क्रॉप है वो बच जाए

then quarantine and certification i have uh, already discussed it, the quarantine requires phytosanitary certificate which can prevent spread of the plant disease through the infected plant or plant parts root corns, bulbs cutting seeds etc use of certified seeds of resistant varieties if the variety is resistant to these pathogens for that area it may be released to the growers for the immediate production Sometimes resistant varieties may become susceptible to new races of a pathogen, as happens with cereal rust, powdery mildews, downy mildews, and the Phytophthora uh, infestans. Modern DNA technology has made it possible to engineer transgenic plants that are transferred with genes for resistance against specific diseases, for tolerance of adverse environmental factors, or with nucleic acid sequences that lead to gene silencing. For the pathogen. Use of microorganisms and chemicals to induce systemic acquired resistance and activations of plants' defense system could also be used for the management of plant diseases. Thank you so much.